हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन आज मैं बनाने वाली दही वाली भिंडी, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी स्पाइसी, टेस्टी, यम्मी, जिसे आप रोटी, चपाती, नान, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने लिया भिंडी 200 ग्राम, दही एक कटोरी, सरसों तेल, एक बारीक कटा प्याज, एक बारीक कटा टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए, तड़का लगाने के लिए सूखा लाल मिर्च, सरसों, जीरा, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक। सबसे पहले मैं भिंडियों को धो के पोंछ के उनको 2 टुकड़ों में काट रही हूँ। आप चाहो तो इसे लंबा भी रख सकते हो या छोटे क्यूब में भी काट सकते हो, शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने कढ़ाई रख के 1 स्पून सरसों तेल गरम किया। सरसों तेल को हमें अच्छे से गरम करना है, अगर वो अच्छे से गरम नहीं होगा तो उसमें सरसों तेल का स्मेल आएगा। अब मैं भिंडी को डाल के थोड़ा सा शेलो फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है ताकि इसमें जो चिपचिपाहट है वो निकल जाए। अब मैंने भिंडी को निकाल लिया। सेम पैन में मैंने अराउंड 2 स्पून और सरसों तेल डाला है। आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बट सरसों तेल से अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी मैंने डाला 1 स्पून सरसों, जीरा, फिर उसके बाद सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च डाल के मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा प्याज। बारीक कटा प्याज डाल के इसको हमें थोड़ा सा चलाना है। चला के अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा भुनने के बाद इसमें डाली हूँ 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमें अच्छे से मिलाना है, अदरवाइज़ वो कढ़ाई में चिपक जाता है। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा टमाटर। टमाटर मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी दही घर की है, थोड़ी सी मीठी है। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप टमाटर स्किप कर सकते हो। अब टमाटर को थोड़ा सा गलते तक मैंने मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसमें डाला हल्दी। हल्दी के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्च पाउडर 1/2 स्पून। उसके बाद मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स की हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी दही। दही ये 1 कटोरी है, ये फ्रेश दही है। दही डाल के अभी हमें अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करना है, तब तक जब तक कि दही थोड़ा सा पक ना जाए या उसमें का पानी सोख ना जाए। फिर मैंने डाला 1 स्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डाल के मैं इनको लगातार मिला रही हूँ। आप देख सकते हैं दही काफ़ी अच्छे से पक गया है और साइड से तेल भी छोड़ रहा है। बस हमें इतना ही पकाना है। अब अगर आपकी दही खट्टी वाली है तो आप टमाटर को स्किप कर देना। अब मैं इसमें डाली हूँ 1/2 स्पून नमक। नमक डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके उसके बाद मैं इसमें डालूँगी भिंडी। ये सब्ज़ी सूखी रोटी, नान, पराठा, जीरा राइस, प्लेन राइस सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अभी मैंने डाला है भिंडी। भिंडी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये बच्चों ही नहीं बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है। अब मैं थोड़ा सा और नमक डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको सूखी सब्जी बनानी है दही वाली तो बस इतना काफ़ी है, गरम मसाला, धनिया पत्ती डाल के आप सर्व करना। बट अगर आपको तरी वाली सब्जी बनानी है तो आप इसमें यहाँ पे 1 कटोरी पानी ऐड करना। मैं तरी वाली सब्जी बना रही हूँ, हल्की तरी वाली, इसलिए मैंने 1 कटोरी पानी ऐड किया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसे मैं ढक के 2-3 मिनट तक पकने दूंगी, या तब तक जब तक कि इसका जो तरी है थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गया है, भिंडी हमारी काफ़ी अच्छे से पक गई, कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ी और पतली चाहिए तो 1 कटोरी पानी की जगह आप 1.5 कटोरी पानी डालना। अब सब्जी बन गई है, मैं इसके ऊपर डाली हूँ गरम मसाला। गरम मसाले के बाद अभी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ धनिया पत्ती। बस हमारी सब्जी बन गई है, इसे मैं ढक के 1 मिनट के लिए सिम पर पकने दूंगी। 1 मिनट बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, हमारा सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। 1 मिनट हो गया, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व। अभी ये टेस्टी खट्टी स्पाइसी दही वाली भिंडी बनाइए और बताइए अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।